तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमारे मीनोपॉज होने लगता है, तो इन सिम्टम्स को मैनेज कैसे कर सकती है एक औरत, और किस तरीके से इसके अटैच्ड जो मूड स्विंग्स और होते हैं उसको डील कर सकती है? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो आपने बोला है एक्चुअली में यही होती है ना, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो तो लॉट ऑफ फीमेल्स दे मे नॉट नो, है ना, बट काफी सारी उनको असहजता होने लगती है अपने साथ ही। मतलब मींस कि अगर मैं सबसे पहले सिंपलर वर्ड्स में अगर कहूँ तो बॉडी उनकी उनको भारी लगने लगती है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, है ना, कभी कभी फीमेल्स वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एंक्शियस हो जाती हैं, जिसको हम हाइपर बोलते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाती हैं। एंड दिस इज ऑल, जैसा मैंने पहले बताया कि हार्मोन लेवल्स जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसी हिसाब से उनके मूड भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हाइपर या डिप्रेशन में जाते रहते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक जो होती है स्लीप डिस्टर्बेंस ना, काफी महिलाओं को स्लीप डिस्टर्बेंस से ही ये चीजें पता लगने लगती है कि यस कहीं हमारे हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं या ये मेनोपॉज का कुछ हमें शुरू हो रहा है सिम्टम। तो लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट, या एक बार अगर नींद खुल जाए तो उन्हें वापस नींद नहीं आती है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हॉट फ्लैशेस, बैठे हुए हैं बैठे बैठे सडनली कुछ मिनटों के लिए, ये बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहते हैं ना, या जिसे हिंदी में हम ठंडा पसीना कहते हैं, हॉट फ्लैशेस, बैठे हुए हैं एसी में, बैठे हुए हैं बातचीत चल रही है हमारी नॉर्मल, और सडनली हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली फेस नेक एंड अपर बॉडी पे, है ना, सडनली पसीना आने लगता है। एसी है, पंखा चालू कर दिया है, फिर भी सडनली बैठे बैठे, कई महिलाओं को मतलब दे मे नॉट टॉलरेट इट ऑल्सो, उस समय उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है, सम फीमेल्स में फेंट ऑल्सो, किसी को चक्कर आते हैं, या किसी को चलते चलते हल्का सा एक 2 सेकंड के लिए गिडिनेस या ब्लैकआउट काइंड ऑफ थिंग होता है। सो दीज थिंग्स दे आर लाइक काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर किस 45 वर्ष की महिला को इस प्रकार के सिम्टम हो रहे हैं देन इट बिकम्स ऑब्वियस कि यस ये जो है हमें मेनोपॉज शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले तुम्हें कहूंगा कि जो जो सारे सिम्टम फीमेल्स को हुए हैं, जैसे वेट बढ़ने का बताया, भारीपन लग रहा है, तो हमें ये मेनोपॉज के सिम्टम्स कम करने के लिए वी एडवाइज आर पेशेंट्स टू गो फॉर वेट रिडक्शन, और हम उनको ये भी बोलते हैं कि बॉडी एनर्जी जो एक्सपेंडिचर है, जो बॉडी की एनर्जी खर्च करने की क्षमता होती है वो इस समय कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप खाना उतना ही खा रहे हैं मगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो कंट्रोल ऑन योर डाइट, टेक अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, है ना, कोशिश करें कम से कम फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ले हमारे डाइट में। और जैसे दूसरे सिम्टम्स थे मैंने जैसे बताया, हॉट फ्लैशेस, स्लीपलेसनेस, नींद कम आती है, घबराहट, चक्कर होते हैं, उसके लिए लॉट ऑफ ड्रग्स आर आल्सो ट्राइड, बट स्टिल बिगिनिंग में हम सभी पेशेंट्स को कुछ महीने के लिए बोलते हैं कि आप योगा टू कीप योर बॉडी फिट एंड मेडिटेशन टू कंट्रोल दीज सिम्टम्स, है ना, मेडिटेशन अगर करते हैं या स्लो म्यूजिक सुनते हैं, किसी तरीके से अपने मन को दिमाग को कूल रखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली दीज हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में काफी कमी आती है, नींद अच्छी आती है और मूड स्विंग्स भी बहुत कम होते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर राजीव पूछ रहे हैं, हाउ टू डील विथ मूड स्विंग्स आफ्टर मीनोपॉज एंड ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर। यस, पोस्ट मेनोपॉजल मूड फ्लक्चुएशन स्टिल रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम, और उसमें फिर हम ये करते हैं वी मे ट्राई सम एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो, और SSRIs और इस टाइप के ड्रग्स वी कैन यूज टू कीप द मूड स्टेबल, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो देन वी मे ट्राई फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, जो पहले कभी जो है
काफी पहले 15-20 साल पहले कुछ स्टडीज निकली थी ह्यूमन हेल्थ इनिशिएटिव ना, वो ग्रुप में दे सेड कि एचआरटी से या हार्मोन रिप्लेसमेंट से कुछ परेशानियां हो सकती है, बट नाउ वी हैव फाउंड आउट कि वो वैसी तकलीफ नहीं होती. इट वाज बेसिकली अगर इफ यू चूज अ राइट पर्सन तो वो तकलीफें कम होती है. एंड देन अबाउट ओवर एक्टिव ब्लैडर, आई वुड से अगेन for overactive bladder also we ask patient to reduce her weight, go for pelvic floor exercises, yoga and meditation, and if it doesn't then definitely we have to take help of medication. But I have seen personally, because some of the things I may not examine in a female, but with help of a gynecologist we try to take care of these overactive bladder problems.